दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने यहाँ तक प्रोसेस करके यूटीआई से पेन किस प्रकार से बिना कोई इशू से अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बताया। तो अब अप्लाई तो हमने कर दिया, अब आती है अपलोडिंग की बात। तो देखो अप्लाई करना आसान है, अपलोडिंग करना पेचीदा यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि अपलोडिंग फोटो में फोटो अपलोड करो तो एरर मारता है, सिग्नेचर अपलोड करो तो एरर मारता है, साइज में डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो एरर मारता है, लेता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक सेपरेट हर किसी का साइज चाहिए अपलोड करने के लिए, चाहे डॉक्यूमेंट हो या आपका फोटो या सिग्नेचर हो। तो यहाँ पे कैसे उसको इजिली करेंगे, और ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ से प्रिंट सिम निकाल के आप रख सकते हो, अगर आप अप्लाई किसी दूसरे के लिए कर रहे हो तो कस्टमर को दे सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ करोगे, इस पीडीएफ में एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जिस पीडीएफ में दो पेज होंगे, एक ही साइड में आगे पीछे करके आप उसे डाउनलोड कर उसे प्रिंट आउट निकाले, क्योंकि इसे प्रिंट आउट करने के बाद इस प्रकार से एक पीडीएफ दिखेगा, जहाँ पे लेफ्ट साइड में एक फोटो, राइट साइड में एक फोटो, राइट साइड नीचे जस्ट एक सिग्नेचर, एंड लेफ्ट साइड फोटो को क्रॉस सिग्नेचर फोटो में चढ़ा के, एंड इनके जस्ट सेकेंड जो पेज होंगे उसको नीचे में सबसे यहाँ बड़े सिग्नेचर स्पेस छोड़ा हुआ, तीन जगह सिग्नेचर करना है। अगर थंब लगाते हो तो आप इन तीनों जगह कस्टमर थंब लगाकर इसे आप फोटो चिपका कर स्कैन कर लेना। स्कैन किस प्रकार करना है करने के चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए आपके पास एक प्रिंटर होना बहुत ही जरूरी है, प्रिंटर का स्कैन का ऑप्शन होना चाहिए, आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट का साइज आपका MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फोटो की साइज 30 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर जो आप करते हैं उसकी साइज 60 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसकी जानकारी किस प्रकार से कैसे कैसे अपलोड करना है यहाँ पे आप उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना 2-3 पिक्सल वगैरह वगैरह देखने को आपको मिलेगा, ऐसे ऐसे करना है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताऊँ सिंपल किस प्रकार से आप फोटो को भी इजिली अपलोड कर लोगे बिना कोई दिमाग का झंझट किए हुए, सिग्नेचर को भी इजिली कर लोगे, एंड डॉक्यूमेंट को भी इजिली कर। यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन का पंगा होता है, तो उसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक आपको बता दूंगा, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर आपके पास प्रिंटर होना काफी जरूरी नहीं है तो आप आसपास के शॉप से ये चीज आप पूरी करवा सकते हो। देखो आपको डॉक्यूमेंट जो है उसको स्कैन करके आप मोबाइल से भी कर सकते हो, स्कैन करके एप्लीकेशन आती है उससे भी खींच के आप कर सकते हो, लेकिन उसके 2 MB से शायद ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो आपको फॉर्म जो है उसका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, आधार कार्ड का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, ये चार चीज लगाना अनिवार्य है, यानी कि चार पेज अलग अलग बनेंगे आपका टूल मिलाकर। तो यहाँ पे देखो हमें जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ स्कैन करने का ऑप्शन, तो हम यहाँ पे ऑप्शन मेरा जो HP प्रिंटर है यहाँ डायरेक्टली PDF में आपको रखना है जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे। अब देखो यहाँ मैंने डायरेक्टली मेरे ये प्रिंटर का कमाल है कि यहाँ PDF में ही डायरेक्ट स्कैन का ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पे मैं सब कुछ है इसको 200 DPI पे रखना तो आपकी अच्छी क्वालिटी है, 2 MB के अंदर सारे डॉक्यूमेंट पूर जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करें सब PDF वगैरह पे सिलेक्ट पे, और हम इसे स्कैन करते हैं पार्ट पार्ट करके। हम पहले फर्स्ट पेज को स्कैन करें जिसमें दो फोटो सिग्नेचर रिक्वायर जहाँ जहाँ जगह है होनी चाहिए, उसके बाद उस पेज को फिर पलटेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसके जो स्कैन के यहाँ पे दो फोटो दिख रहा है, लेफ्ट साइड में एक फोटो, राइट साइड में एक फोटो है, एंड सिग्नेचर दोनों के नीचे एक क्रॉस सिग्नेचर है, फोटो चढ़ाकर एक यहाँ पे सिग्नेचर, पहला पेज हो गया। फिर इसी प्रकार दूसरा पेज आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक को स्कैन, अगर आप करेक्शन का काम कर रहे हो तो आपने उसमें एक डॉक्यूमेंट और पुराना पैन कार्ड स्कैन करना पड़ेगा, जिनका पैन कार्ड पहले से कुछ गलती है, सुधार है वगैरह वगैरह है उसके लिए। तो करेक्शन कैसे किया जाता है आप उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, UTI से पैन का करेक्शन किस प्रकार किया जाता है इजिली वो वीडियो आप देख सकते हो। अब देखो जो हमने PDF में किया उसकी साइज 2 MB ज्यादा है, तो मेरे इसे साइज देखो 1 MB के अंदर है। और अब इसे अगर ओपन करेंगे किस प्रकार से मैंने डॉक्यूमेंट सेट किया, तो आप देख सकते हैं ऊपर में दो सिग्नेचर किया हुआ फोटो है, उनका जो डिटेल है वो नीचे ऑटोमेटिक फिल, बस हमें यहाँ सिग्नेचर क्रॉस सिग्नेचर करना है लेफ्ट साइड वाले पे, और राइट साइड वाले पे इसके नीचे करना, और इसके नीचे सेकंड पेज है उसके सबसे नीचे करना है यहाँ पे सिग्नेचर, एंड नीचे उनका जो है आधार कार्ड, एंड उसके नीचे आधार कार्ड फर्स्ट पेज सेकंड पेज दोनों को लगा दे, इतना ही हमें PDF के अंदर रखना है, जिसकी साइज 2 MB ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आती है फोटो की बात, डॉक्यूमेंट बेसिकली लोगों का ले ही लेता है, फोटो और सिग्नेचर बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करना है स्कैन में जाना, एंड आपको अगर फोटो डालना है तो उसको 300 DPI नॉर्मल लॉक करते हैं, और सिग्नेचर डालना 600 DPI स्कैन करें उसे क्रॉप करके करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। आप क्या करना है आप उसको किसी भी एंगल में क्रॉप करो, आप चाहो तो मोबाइल से ही फोटो खींचो, अगर मोबाइल से बना रहे तो। मैं यहाँ पे 300 DPI स्कैन कर रहा हूँ बताने के लिए, आपका जो फर्स्ट वाले जो होते हैं पेज उसका फोटो अच्छे क्वालिटी के साथ आप इस पर खींचे, मैं यहाँ पे स्कैन कर ले रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फोटो सिग्नेचर को किस प्रकार क्रॉप की जाती है सही ढंग से उसे समझाने, सिर्फ आप 300 DPI पे फर्स्ट पेज को स्कैन कर लेना, आपको 300 में 200 में नहीं करना है, 300 DPI पे स्कैन, अगर आप मोबाइल फोन से खींच रहे हो
तो उससे भी खींच सकते हो। ये हो गया, इसे नॉर्मली आपको सेव कर लेना है। सेव कर लोगे आपका यह फाइल में आ जाएगा, इसको उठाकर आपको अपने फोटोशॉप पे ओपन कर लेनी है। ये मान लो मैंने ओपन कर लिया, ये ऊपर वाला मैं दिखा रहा हूँ सैंपल, ये हमारा फोटो है और नीचे वाला सिग्नेचर है। अब देखो आपको क्या करना, आप यहाँ पे क्रॉप करोगे, पिक्सल मिलाओगे, उससे अच्छा है वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे मैं दो फाइल का लिंक दे दूंगा, एक के सिग्नेचर का एक के फोटो का। आपको कुछ नहीं करना, इसे डाउनलोड करना है और सिंपली अपने फोटो सिग्नेचर को, जो फोटोशॉप या जिसे करो उसे खोलना है, इसके ऊपर सिर्फ अपने फोटो सिग्नेचर को फेंक कर सेट कर देना और कुछ नहीं करना है। देखो मैंने यहाँ ले मेरा फोटो है, मैंने इसे यहाँ से क्रॉप करता हूँ, सिंपली समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये साइज फोटो की क्रॉप कर लिया एंड इसे मैं उठाकर बस इसके ऊपर फेंक देना है। ये फोटो सेट किया, साइज देख लिया छोटा बड़ा करके, ये सेट कर लिया और मैंने इसे कंट्रोल सेव एस मारना है और आपको देख लेना इसकी साइज जो 30 की ज्यादा ना हो और इसे आप सेव कर लेना। देखो मैंने यहाँ फोटो बोल के सेव कर लिया, हमारे फाइल में आ गए, ये फोटो बन के इसका आ गया। अब सेम यही काम को सिग्नेचर के साथ करना है, सिग्नेचर को भी जाना है एंड इसे जो आपने किया था अभी इसे छोटा कर ले और यहाँ पे ये मैंने क्रॉप किया था, कंट्रोल जेड मारेंगे तो ये आपको पहले की तरह हो जाएगा एंड सिग्नेचर को भी आप फ्री स्केल में क्रॉप कर ले जितने सिग्नेचर आते उतना एंड से यस कर ले, उसके से उठाकर यहाँ सिग्नेचर के अंदर लाकर फेंक देना है। अब सिग्नेचर तो फेंकोगे यहाँ पे, ये देखो सेट कर लेना, इधर दूर जाए उसके कंट्रोल शिफ्ट ई दबाना, पूरा लेयर सेट हो जाएगा। उसके बाद इसे आप नॉर्मली ये पूरा का पूरा जितने मेरे दिखा रहा हूँ ना, ये टोटल ये 600 dpi पहले से स्कैन किया हुआ मेरे पास ब्लैक है पेज है, इसे सिंपली क्रॉप करना है ऐसे करके और इंटर मारना और इसे 60 kb के अंदर आपको कंट्रोल सेव एज कर लेना है 60 kb के अंदर। तो ये मैंने कुछ भी नाम दे दिया, ऐसे सेव करता हूँ, 60 kb ज्यादा ना हो। अब तो मेरे यहाँ पे सिग्नेचर का साइज आ गया, अभी तो चेक करता हूँ साइज, तो यहाँ पे 21 kb है तो इसके अंदर है, यहाँ पे ये 15 kb 30 kb के अंदर 60 kb हमारा बन गया, हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है। यहाँ पे हम तीनों चीज को कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा डॉक्यूमेंट आ गया PDF में। PDF में हमने क्या क्या लिया, हमने दो डॉक्यूमेंट निकले थे, उसके फर्स्ट पेज सेकंड पेज स्कैन किया, आधार कार्ड फर्स्ट पेज सेकंड पेज को ले लिया। अगर आप कैसे काम कर रहे हो तो आप पैन कार्ड पहले बनी को सुधार करो, पैन कार्ड का भी कॉपी लगा सकते हो स्कैन करके। फोटो के लिए मैं नॉर्मली एक पेज को स्कैन किया, उसको क्या क्रॉप करके बस ये दो पेज जो है सिग्नेचर और फोटो डिफॉल्ट साइज इसके ऊपर मैंने सिर्फ फेंक दिया हो और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर चढ़ाकर सेव एस कर लिया। अब हमारा यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट तैयार, अब बच गया हमारा अपलोडिंग का काम, तो अब इसे अपलोड करके देखते हैं अपलोड होता है या नहीं होता। यहाँ पे मैं जो सेम प्रोसेस करूंगा लेकिन यहाँ फोटो ओरिजिनल के साथ में यहाँ पे करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने पोर्टल के ऊपर। ख्याल रखिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप अप्लाई करने के 24 घंटे बाद अपलोड पहले अपलोड नहीं करते तो रिजेक्शन चला जाएगा, उसको आप पेन ऑब्जेक्शन ढूंढोगे तो फाइल अंडर ऑब्जेक्शन आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्शन में दिखेंगे, जिसे एडिट करते करते नेक्स्ट करते हुए आप फिर चल जाओगे, फिर अपलोड भी आपको ऑब्जेक्शन के अंदर से ही करना होगा, अंदर ऑब्जेक्शन के अंदर वो आदमी का नाम दिख जाएंगे जिनको अपलोड आप करने जा रहे हो। तो यहाँ पे मेरा वो 24 घंटे के बाद हो गया, तो मेरा अपलोड ऑब्जेक्शन चला गया था। अब यहाँ से हम अपलोड प्रोसेस में जाएंगे, जो उसका अप्लाई किए हैं सेम जो डॉक्यूमेंट हम सिलेक्ट किया है वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, उनका PDF एंड फोटो में उनका फोटो एंड सिग्नेचर जो हमने बना रखा था सिग्नेचर एंड तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हमने कर चुका एंड आप अब यहाँ सब कुछ मैच कर लेना, जो आप डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किए हो PDF में सही PDF, उनका जो फाइल के साथ फोटो में सही फोटो विद मैंने जो प्रोसेस बताया हूँ उसके ऊपर फेंक कर डायरेक्टली क्रॉप करके सेट कर लो। ज्यादा आसान तरीका मैं यही यूज करता हूँ, सिग्नेचर ऊपर क्रॉप करके फेंक कर कर लेते 60 gb अलग स्क्रीन को 30 gb अलग। यहाँ पे आप नॉर्मली अपलोड पे क्लिक कर देते हैं, अब देखते हैं हमारा अपलोड लेता है यहाँ पे फेल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर एप्लीकेशन नंबर इतना इज सक्सेसफुल अपडेट ले लिया है। यहाँ पे बोले तो हमने जो ट्रिक यूज किया उससे अपडेट हो गया, अपलोड हो गया, कोई इशू नहीं आया वहां पे कोई। मैंने फर्स्ट टाइम में बता रहा हूँ जब अप्लाई करने बैठा था ना, मैंने एक फोटो को 10-15 अलग तरह से अपलोड नहीं हुआ, तो मैंने फिर धीरे धीरे देखा कि पिक्सल मेरे पास 2x2x2 pixel फोटो सेट करो, फिर 600 dpi स्कैन करो, तो बहुत लंबा चला प्रोसेस था। उस हिसाब से मैंने सोचा मैंने एक फाइल बना दिया, जो भी उठाता हूँ 300 dpi स्कैन करता हूँ, अच्छी क्वालिटी में ले लेता हूँ, उसे फेंका, क्रॉप किया, मिलाया, अपलोड कर दिया, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता। आप इस प्रोसेस कर सकते, रिपीट कर लेना स्पेशली जैसे मैं बताया स्टेप बाय स्टेप करके आपको इजिली हो जाएगा और इस प्रोसेस के जरिए आप इजली पैन कार्ड का अपलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे। जो ऑनलाइन कैसे किया जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, उसके लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं एंड अगर आप माइनर पैन कार्ड बनाना चाहते हो 18 साल कम और किस प्रकार बनाए इसके लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर, चैनल पर नए पहली बार है तो सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, सारे फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।